दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक और नया अभियान शुरू करने जा रही है। कल से आम आदमी पार्टी 15 साल वर्सेस 3 हफ्ते कैंपेन शुरू करने जा रही है। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने हमला करते हुए कहा कि आपको पिछले 15 दिनों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला होगा, चाहे वो कूड़ा निस्तारण को लेकर विजिट का सिलसिला हो या फिर पार्षदों द्वारा अपने इलाके में साफ सफाई को लेकर निरीक्षण करने का। हर जगह आम आदमी पार्टी के पार्षद और प्रत्याशी पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं पाठक ने कहा कि बीजेपी को मौका मिला लेकिन काम नहीं किया। बीजेपी ने 15 साल तक कुछ नहीं किया और अब 5 साल आम आदमी पार्टी को एमसीडी में काम करने दे बीजेपी। दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी के अधिकारों में अब फुर्ती आ गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश जी, जो ये अभियान आम आदमी पार्टी कल से शुरू करने जा रही है, इसमें क्या कुछ खास होगा? देखिए, लोकतंत्र के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि जनता को हिसाब किताब दिया जाए। हमें दिल्ली की जनता ने प्यार दिया, समर्थन दिया, सरकार हमारी बनाई। अब समय आ गया कि दिल्ली की जनता को हम बताएं कि हमने क्या क्या किया। हालांकि अभी हमने शपथ भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी कल से हम लोग एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो 20 दिन के अंदर जो हमने काम किए हैं और जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, वो रिपोर्ट हम लोग जनता के बीच में कल से रख रहे हैं। जो कि कुछ की सेक्टर्स हैं जो एमसीडी के, चाहे वो साफ़ सफाई हो, चाहे वो ड्रेन्स की सफाई हो, चाहे वो ट्री कटिंग हो, चाहे वो जो भी मेन इश्यूज़ हैं एमसीडी के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग रिपोर्ट कार्ड देंगे आपको। अगर बात की जाए तो इस अभियान के तहत बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल को 3 हफ्ते के कार्यकाल से दर्शाया जा रहा है कि 15 साल में बीजेपी ने क्या किया और आम आदमी पार्टी ने अभी शपथ ग्रहण भी नहीं की, उससे पहले 3 हफ्तों में क्या कुछ खास किया। बिल्कुल यही सारी चीज़ें हम आपको लगातार बताते रहेंगे इस माध्यम से कि 15 साल में उन्होंने क्या किया और 3 हफ्ते के अंदर हमने क्या काम किया। तो इस अभियान में होगा क्या कुछ खास? रिपोर्ट बताते रहेंगे, कुछ ग्राउंड एक्टिविटीज़ भी आएंगी, आपको डिटेल में सारी सूचना लगातार देते रहेंगे। अगर बात की जाए 2022 की, तो कल आखिरी दिन है और आखिरी दिन ही आप अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 2022 में आपने शानदार जीत दर्ज की है एमसीडी चुनाव में, उसको लेकर के क्या कहेंगे? 2022 जो साल रहा है वो आम आदमी पार्टी के लिए कितना खास रहा? 2023 में किस तरीके से पार्टी तैयारी करेगी? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण साल रहा और बड़ा ही उत्साहवर्धक हम लोगों के लिए साल रहा। पंजाब में सरकार बनी, गोवा के अंदर हम बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमने गुजरात के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नेशनल पार्टी बनी। तो इस दिखाता है कि लोगों का प्यार और समर्थन लगातार बढ़ रहा है और आशा करेंगे कि हम लोग अच्छा काम करें जिससे 2023 में भी लोगों का प्यार और समर्थन हमें लगातार मिलता रहे। 2023 में भी करीब 9 राज्यों में चुनाव हैं, तो ऐसे में पार्टी किस तरीके से काम करेगी ताकि जो जनता का विश्वास और जो भरोसा है वो कायम रहे और जो आगामी चुनाव हैं उसमें भी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर सके? नहीं, निश्चित रूप से ग्राउंड के ऊपर जो भी काम है, लोगों के साथ कनेक्ट बना के रखना, लोगों के मुद्दों के ऊपर संघर्ष करना, वो लगातार करते रहेंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।